हेलो हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज। दोस्तों, एक स्टूडेंट है मेरी, उसने बोला उसको ट्रेडिंग सीखना है। मैंने बोला चलो मैं सिखाऊंगा ज़रूर, बट तुमको नहीं सिखाऊंगा, और भी मेरे स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन, उनको भी सिखाऊंगा और फ्री में सिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो सीरीज़ के अंदर में मेरी स्टूडेंट है, उसके साथ में बैठेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे और कोशिश करूंगा उसको ट्रेडिंग सिखाने का। देखते हैं कि वो ट्रेडिंग कर पाती है कि नहीं कर पाती है। हेलो अनुपन्ना, हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों, अनुपन्ना एक मिलेनियल है। इन्होंने कुछ मास्टर्स की पढ़ाई की आपने? राइट सर, या और ये मेरे एक्चुअली मित्र हैं, उनकी नीस हैं आप, राइट। है ना? तो उनका, मेरे मित्र ने कहा एक दिन फ़ोन करके कि विवेक इसको ट्रेडिंग का बड़ा शौक है, तो इसको ट्रेडिंग सिखा दे। तो अच्छा लगा सुन के कि चलो यंग जनरेशन दे आर लुकिंग एट ट्रेडिंग सीरियसली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट, लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने सोचा कि ट्रेडिंग करना चाहिए। थैंक यू सर। बहुत अच्छा करियर है, लेकिन सही तरीके से करोगे तो। हाँ इसलिए सर मैं आपके पास आई हूँ। एकदम एकदम। सो मैं कोशिश करूंगा पूरा आपको सिखाने के लिए, और वट एवर बेस्ट आई कैन डू आई विल गिव यू माई बेस्ट। बट बिफोर आई स्टार्ट, बिकॉज दिस इज अ न्यू सीरीज आई एम स्टार्टिंग, तो बहुत बेसिक बेसिक चीज़ों से भी चालू करेंगे और कोशिश करेंगे आपको एडवांस में भी लेके जाए ताकि आप ट्रेड कर पाएँ। आपका थोड़ा बैकग्राउंड बता दीजिए कि आपने क्या पढ़ाई की हुई है और आप ट्रेडिंग क्यों करना चाह रही हैं। सो सर, पहले तो मैंने बीकॉम ऑनर्स किया फाइनेंस लेके, तो इंटरेस्ट था थोड़ा बहुत बट साइड में रखा हमेशा। उसके बाद फिर बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, तो एंटरप्रेन्योरशिप करने गए, मास्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप। फिर वापस आके मन हुआ कि थोड़ा स्टार्टअप्स में एक्सपीरियंस लूँ, तो आई स्टार्टेड वर्किंग लास्ट ईयर। एक साल से मैं काम कर रही हूँ स्टार्टअप में, बट व्हाट्स आई रियलाइज कि मेरे ना बैंक में पैसे बनते जा रहे हैं एंड वो तो स्टैगनेंट है। सो आई थॉट व्हाई नॉट उसको थोड़ा बेटर यूज़ में दूँ, हो सकता है उसी का थोड़ा मल्टीप्लाई हो जाए। सो बैठे बैठे और भी अदर इनकम आ गया, तो व्हाई नॉट। सो इसलिए आई थॉट व्हाई नॉट स्टार्ट विद ट्रेडिंग। एब्सोल्युटली। सो एक एक बात है कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप की पढ़ाई की और आप ट्रेडिंग में जा रहे हैं और आप एंटरप्रेन्योर ही बन रहे हैं। तो राइट, पहला चीज कि ट्रेडिंग इज एन एंटरप्रेन्योरशिप, ओके। आप अपने लिए करते हैं, आपकी किसी को जवाबदारी नहीं, आप अपने पैसे से ही अपने लिमिट के अराउंड में काम करते हैं। और सुबह, या तो आप इंट्राडे कर रहे हैं तो सुबह घुसे रात को निकल गए, घर में कुछ लेके नहीं जा रहे हैं, तो इट्स लाइक नो डेटर नो क्रेडिटर, जो होना है राइट, पूरे दिन भर में होना है। या आप पोजीशन कैरी कर रहे हैं तो आपको पता है कि मेरा इतना रुपया लग सकता है, इतना रुपया आ सकता है। तो ट्रेडिंग एक बहुत ही नोबल ऑक्यूपेशन है जहाँ पर आप एक एंटरप्रेन्योर ही हैं, राइट? लेकिन आज जैसा कि मैंने कहा कि इट्स नॉट इजी, बिकॉज देखने में बड़ा अच्छा लगता है, ग्लैमरस है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चालू करते हैं, आपको सिखाते हैं। राइट सर, लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी एंड लेट्स सी अन्नपूर्णा को मैं ट्रेडर बना पाता हूँ कि नहीं बना पाता हूँ। और आप लोग जो मेरे वीडियो में जुड़े हुए हैं, आप भी किसी यंगस्टर को जानते हैं जो इस प्रोफाइल का है या जो ट्रेडिंग करने में उत्सुक है, तो आप ये वीडियो उनके साथ में शेयर कीजिएगा। बहुत ही बेसिक लेवल पे चालू करूँगा और कोशिश करूँगा कि जो कॉन्सेप्ट से मैं काम करता हूँ और थोड़ा बहुत कमाई लेता हूँ, वो कॉन्सेप्ट मत बता दूँ, और जो यंगस्टर इसको देख के एक्चुअल में इसको करियर बना पाए तो मेरे लिए बहुत सही हो जाएगा। ठीक है अनुपना, राइट तो सर, चालू करते हैं। बहुत ही बेसिक बेसिक, आप एकदम बिंदास क्वेश्चन पूछेगा और टाइम का कोई पाबंदी नहीं है, जितना क्वेश्चन पूछना पूछेगा, मल्टीपल वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या क्वेश्चन आ रहा है अभी, पहला दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा है? सर मुझे पहले तो ये जानना है कि आप कैसे ट्रेड करते हैं, आपका ट्रेडिंग सेटअप क्या है सर? ओके, तो आप मेरे ऑफिस में आए हैं, मेरे डेस्क पे बैठे हैं और ये मेरा ट्रेडिंग सेटअप है जो आप देख रहे होंगे। तो टिपिकल ट्रेडिंग सेटअप, मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ और मैं आज से नहीं है, मैं पिछले 15 साल से मार्केट में, 15-16 साल हो गए तो मार्केट में समझ में आ। तो एक ट्रेडिंग सेटअप एक प्रोफेशनल का थोड़ा अलग तरीके का होता है और एक नोविस, एक जो चालू किया मार्केट में, उसका अलग तरीके का होता है। आप देखो मेरा सेटअप में अभी तो ऊपर में 2 स्क्रीन गायब हो गई हैं, मैंने कम कर दिया थोड़ा, क्योंकि मैं इंट्राडे उतना एक्टिव ट्रेडिंग अब नहीं करता हूँ, अब मैं एक्टिव इन्वेस्टिंग या पैसिव ट्रेडिंग करता हूँ, मतलब मैं पोजिशन थोड़े दिनों के लिए कैरी करता हूँ। बट जब मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता था दिन भर, तो मेरे पास 4 मॉनिटर होते थे, 1 2 3 4। एक मॉनिटर में न्यूज़ चलता रहता था, एक मॉनिटर में रियल टाइम टिकर चलते थे,
पहले के जमाने में ना टिकर रीडिंग हुआ, टिकर टेप रीडिंग हुआ करती थी। टिकर क्या था कि हर भाव में, हर भाव मतलब हर एक्शन में मार्केट में क्या हो रहा है वो आपको सामने नजर आता था, किस स्टॉक में क्या हो रहा है, कौन सा स्टॉक गिर गया, कौन सा स्टॉक बढ़ गया, कंटिन्यूसली जो टिकर आते थे। तो एक स्क्रीन पहले वो रहता था, एक स्क्रीन में ग्राफ चलता था जिसके अंदर में टेक्निकल्स, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक ग्राफ है जिसमें लाइन वाइन कुछ चल रही है, तो ये सांप है स्क्रीन के अंदर में, एक सांप है। तो अब ये सांप का मूवमेंट को आपको प्रेडिक्ट करना है बेसिकली, यही है ट्रेडिंग। तो एक ये ग्राफ है, और एक मैंने जो टूल बनाया स्टॉकेज, जो मुझे शाम का होमवर्क के लिए हेल्प करता है, और मेरा सारा एनालिसिस स्टॉकेज के अंदर में डाला हुआ, मैंने नोट्स बना रखे हैं सब स्टॉकेज में, तो वो एक स्क्रीन में खुला रहता है। तो चार स्क्रीन और एक मेरा लैपटॉप मेरे सामने है, जो कि मेरे ईमेल्स हो गए या कोई भी मेरा फ्रिक्वेंट एक्शनेबल काम मुझे करना है तो मेरे लैपटॉप के सामने। तो ये टिपिकल एक प्रोफेशनल ट्रेडर का सेटअप है। तो आप इसको देख के वैसे घबराइए मत, वही कहा जाए कब क्या देखूं। तो इसलिए मैंने कहा ना ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर का सेटअप है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड होता है। तो आपके लिए तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपके पास एक लैपटॉप अगर है या एक डेस्कटॉप रहे जिसमें जो टूल्स मैं कह रहा हूँ वो टूल्स अगर आप रखेंगे तो इट इज सफिशिएंट। बाकी मोबाइल ऐप भी आजकल काफी एक्टिव हो गए हैं, 70% ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग मोबाइल ऐप ओनली। तो आपका मोबाइल स्क्रीन और लैपटॉप, उससे टू स्टार्ट अप विद इट इज अ वेरी गुड सेटअप टू गेट अलोंग। बट इवेंचुअली आई वुड एस्पायर कि अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बन जाते हैं, एक फुल टाइम करियर लेते हैं इसको, तो एक बेयर मिनिमम आपको सेटअप चाहिए होगा, एक लैपटॉप, एक मोबाइल फोन अच्छा, और दो स्क्रीन का एक सेटअप होना चाहिए। एक्चुअली एक ही सीपीयू है जिसमें दो स्क्रीन है। आप देखो अगर मैं इसको माउस को मूव करता हूँ कहाँ, या तो ये एक्चुअली में एक ही कंप्यूटर है, इसमें दो मॉनिटर मैंने डाल रखा है, डुअल डिस्प्ले कार्ड आजकल बहुत इजीली मिल जाता है। ऐसा एक आपका सेटअप इवेंचुअली होना चाहिए। अगर आपने ऐसा सेटअप कर लिया इसका मतलब आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए। तो ये आपका टारगेट है कि मुझे ऐसा सेटअप क्रिएट करना है, राइट। तो ये तो हो गया मेरा सेटअप। अब ये तो हो गया हार्डवेयर, ठीक है। अब मैं सॉफ्टवेयर में आता हूँ कि आपको एक्चुअल में ट्रेडर बनने के लिए क्या चाहिए। देखिए ट्रेडिंग में प्राइस, जो प्राइस ऊपर नीचे होते हैं स्टॉक्स के, उसका जजमेंट बनाने को ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं। इन्वेस्टिंग के अंदर में जो मार्केट में प्राइस चल रहा है आप उसको क्वेश्चन करते हैं, आप बोलते हैं ये गलत प्राइस, या तो प्राइस नीचे होना चाहिए या ऊपर होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू निकालना कि क्या सही प्राइस होना चाहिए। ट्रेडिंग में वो नहीं, ट्रेडिंग में हम कहते हैं कि जो प्राइस है वो सही प्राइस है। अच्छा। अब ये प्राइस ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा ये मुझे निकालना है। ओके, ठीक है। अब ये प्राइस ऊपर जाएगा तो क्या करोगे, खरीद लूंगी, एब्सोल्युटली। और अगर आपको लग रहा है प्राइस नीचे जाएगा तो आप क्या करोगे, बेच दोगे। बड़ा सिंपल काम है, खाली खरीदना और बेचना और कुछ करना नहीं है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आप किस अवधि का ट्रेड करना चाह रहे हैं। वॉट इज योर ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेड। क्या आप नेक्स्ट दो मिनट के बाद का प्राइस प्रिडिक्शन करना चाह रहे हैं, दो घंटे का करना चाह रहे हैं, दो दिन का करना चाह रहे हैं, दो हफ्ते का करना चाह रहे हैं। हर अवधि अलग अलग होगा। हो सकता है कुछ प्राइस मूवमेंट दो घंटे में ऐसे चला जाए फिर नीचे आ जाए, बट आप लोगे और बेचोगे तो आप दो घंटे के लिए करोगे। बट हो सकता है कुछ स्टॉक में यहां से चालू हुआ दो महीने बाद वो ऐसे गया, तो आप दो महीने की अवधि के लिए कर रहे हो। तो एज अ ट्रेडर सबसे पहला क्वेश्चन आपको अपने जवाब देना है कि मेरा अवधि क्या है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ माय ट्रेड। क्या मैं 5 मिनट का ट्रेड करना चाह रही हूँ, मतलब इंट्राडे करना चाह रही हूँ, या मैं 2 दिन 5 दिन के लिए पोजीशन होल्ड करना चाह रही हूँ, इसका मतलब स्विंग ट्रेड करना चाह रही हूँ, तो वह इंट्राडे हो गया या स्विंग ट्रेड हो गया, ठीक है। आप क्या करना चाहते हैं, इंट्राडे की स्विंग ट्रेड। सर आई थिंक अभी तो मैं एक बार स्विंग से स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओके, तो आप कुछ भी अगर शेयर लेना चाहते हैं तो आप उसको कम से कम 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक होल्ड करना, ठीक है। तो अगर आप वो करना चाहेंगे तो प्राइस मूवमेंट भी आपको स्विंग के आधार पे ऑब्जर्व करना है। टेक्निकल एनालिसिस एक स्टडी है, वो आपको इतना फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप प्राइस को अपने ऑब्जेक्टिव के साथ लिंक कर सकते हैं। ओके, बहुत ही शानदार स्टडी है, मैं तुमको दिखाता हूँ। जैसे ये एक स्टॉक है, ये चार्ट देख के क्या लग रहा है आपको, ये चार्ट कैसा आपको समझ में आ रहा है? इतने लाइंस तो नहीं समझ में आ रहे, बहुत ज्यादा लाइंस हो गए ना आपके लिए। तो एक काम करें, एक सिंपल चार्ट में चलते हैं। तो लेट्स एक चार्ट बनाता हूँ, नया लेआउट करता हूँ, सिंपल ढाल देता हूँ। ये वैसे सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है ट्रेडिंग व्यू।
जो टेक्निकल चार्टिंग के लिए मैं यूज करता हूँ, एडवांस टेक्निकल चार्टिंग, और ओके दूसरा सॉफ्टवेयर जो मेरा बनाया हुआ है वो है स्टॉकेज। ये ओके स्टॉकेज में भी चार्ट्स हैं, बट अगर आपको ऊपरी लेवल का टेक्निकल फंडामेंटल सारा डेटा को देख के एनालाइज करना है एंड ऑफ द डे, तब आप स्टॉकेज यूज कीजिए, ओके ठीक है। और जब आप डिटेल टेक्निकल करना चाहते हैं तब फिर आप ट्रेडिंग व्यू यूज कीजिए। ये मेरा ओके सेटअप है, मैंने राइट डिफाइन कर रखा है मेरे। ओके ये देखिए कैसा लग रहा है आपको, सो ये तो फिर भी समझ आ समझ रहा में है आ रहे हैं? मुझे तो ये राइट देखिए, ये है डेली चार्ट। डेली चार्ट में क्या होता है कि हर दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का, चलिए एक स्टॉक लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टाइप कर रहा हूँ, तो SBIN इसका कोड है, ओके जो कि एक्सचेंज डिफाइन करता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो कोड है उसको SBIN बोलेंगे। तो ये देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर का प्राइस है, अच्छा तो आपको क्या दिख रहा है इसके अंदर में, क्या चल रहा है? ये डेली प्राइस है, इसका मतलब हर दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है ना उसको डॉट प्लॉट कर दिया गया है और उससे एक ग्राफ बन गया है। आपको क्या दिख रहा है इसमें? ओके तो बेसिकली एक दिन का प्राइस इन लोग लेते हैं हाँ, एंड उसको प्लॉट करके. अच्छा तो ये सब मैं देख रही हूँ जून से लेके नवंबर तक का है. जी, ये जून से लेके नवंबर, नहीं अभी तक का है ये, आपको यहाँ अच्छा नवंबर दिख रहा है, बड़े फेब तक का है, तो ओके मैंने इसको जूम इन किया इसलिए वो ऐसा दिख राइट रहा है। मैं इसको जूम आउट करूंगा तो मुझे और पुराना मिल तो जाएगा। सर बट इतना अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग करूंगी तो मैं इतना पुराना तक ऑब्जर्व करूंगी. एब्सोल्युटली, तो आप अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब आपका 2 दिन से लेके 10 दिन का अगर ऑब्जेक्टिव है, तो फिर इतना पुराना हमको नहीं जाना है, फिर नहीं हम प्रॉब्ली 3 महीने 4 महीने का चार्ट देख लेंगे, राइट तो इतना तक हम मे बी 12 महीने का चार्ट देख लेंगे, इतना तक हमको पता लग जाएगा कि स्टेट बैंक में हो क्या रहा है। ओके गॉट इट. अब आप देखो इस लाइन चार्ट के साथ में नीचे में कुछ ये हाँ सर मल्टीपल टावर्स नजर आ रहे होंगे, राइट ये राइट टावर क्या है? ये है वॉल्यूम, मतलब कितना अच्छा काम हो रहा है, मतलब कितना वॉल्यूम्स ट्रेड हुए उस कितना दिन वॉल्यूम स्ट्रेट हुआ में. उस दिन, अच्छा ठीक है। क्योंकि ओके तो प्राइस सपोज बढ़ गया और 100 शेयर का काम हुआ, और प्राइस बढ़ गया और 1,000 शेयर का काम हुआ, कौन सा इंपॉर्टेंट ज्यादा है? प्राइस भर गया और 1,000 शेयर्स का काम हुआ क्योंकि राइट ज्यादा क्योंकि लोग अगर ज्यादा काम किए लोग. हैं और प्राइस हाँ बढ़ा, इसका मतलब ज्यादा कन्विक्शन है लोगों को, तो राइट प्राइस और वॉल्यूम ये दोनों को साथ में जब आप स्टडी करते हैं तो वही टेक्निकल एनालिसिस है, ठीक है। तो ये हमारा डेली चार्ट है, मतलब हर दिन का एंड का चार्ट हम देख रहे हैं विथ वॉल्यूम। ये चार्ट देख के अभी आपको स्टेट बैंक में क्या नजर आ रहा है, क्या हुआ इसके अंदर में? पिछले कुछ दिन में कुछ ज्यादा ही प्राइस आगे बढ़ इसका गया मतलब तेजी है। है राइट और इस दिन इस समय क्या हुआ था? अचानक से बहुत ज्यादा ही कुछ हुआ होगा कोई मार्केट इवेंट इसका मतलब मंदी है, राइट तो ये तेजी है और ये मंदी है। तो अच्छा आपने सुना होगा ना बुल एंड बेयर, बुल राइट मतलब तेजी, बेयर मतलब मंदी, तो मंदी प्राइस एक्शन आपको बताता है कि या तो तेजी होगा या मंदी होगा या बीच का एक रेंज होगा, उसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन रेंज, कि थोड़ा टाइम वहां पर रुका है, आराम कर रहा है, सोच रहा है अब क्या करना है। देखो ये दौड़ है एक, तो भाग रहे हैं सबको, शेयर राइट प्राइसेस में भी लोग भाग रहे हैं, करेक्ट। तो कुछ आप किस घोड़े में दाव लगाएंगे जो कि ज्यादा भागेगा, राइट? तो तेजी मतलब भागने वाला घोड़ा, मंदी मतलब दब घोड़ा, कंसोलिडेटेड मतलब आराम कर रहा है, सोच रहा क्या करना है। तो अच्छा इस चार्ट में आपको क्या नजर आ गया कि ये मंदी यहां पर आई थी, कब आई थी मंदी? ये जब ये फरवरी में क्या हुआ था, फरवरी मार्च अप्रैल में कोरोना कोरोना आया, तो उसके कारण राइट मंदी आ गई, तो मंदी आ मार्केट में ही गई. मंदी आई थी, तो शेयर भी गिर गया, फिर हाँ उसके बाद ये थोड़ा टाइम यहां पर आराम कर रहा था, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन रेंज। और ओके जब उसका आराम खत्म हो गया और जब वो वापस से नई दौड़ की तैयारी किया, तो रिकवरी इस यहां से उसने बड़ी दौड़ लगा दी, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट, ओके मतलब जो पुराना हाई था ये हाँ हाई हाँ जब कंसोलिडेट कर रहा था उसने ये हाई बनाया था, जब ये अच्छा इस हाई को तोड़ा तो एक जैसे बोलते हैं ना आग लग गई, तो एक दौड़ चालू हो गई उसकी, तो ये ओके ब्रेकआउट होके उसने नया दौर बनाया। तो ब्रेकडाउन मतलब मंदी, कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन और फिर ब्रेकआउट होके तेजी, ओके ये है टेक्निकल एनालिसिस, तो ब्रेकआउट तब होता है जब वो वापस ऊपर की तरफ भाग रहा है राइट करेक्ट। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम ये बताओ कि तेजी के लिए बुल को क्यों यूज करते हैं और मंदी के लिए बेयर क्यों यूज करते हैं? सही बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे आप नहीं गैस करो पता आंसर, देखिए आपको कोई भी है आंसर नहीं पता होगा, राइट बट आप बताइए कि तेजी में बुल क्यों
मंदी में बेर क्यों? सोचो। बुल तो मुझे दिमाग में अभी यही आ रहा है क्योंकि बुल तो बस निकल जाते हैं, मतलब जब वो भागता है दौड़ता है विदाउट सीइंग एनीवन इन फ्रंट ऑफ इट, वो वो तो जब बैर भी करता दौड़ता है, है बैर जो पीछे लगेगा तो उसका अच्छा भी यही हो। सो बुल में ऐसे होता है और बैर का नाक ऐसे होता है। ओके सो दैट्स व्हाई बुल, जब तेजी की बात होती है तो बुल का ये दिखाया जाता है और मंदी में। सो ये कहानी है। और भी बहुत सारे एनिमल है ओके मार्केट में, मैं बताऊंगा आपको, अलग अलग विचित्र तरह के एनिमल होते हैं, मैं सबके बारे में बताऊंगा। तो तेजी का माहौल कब बिल्डअप होता है? जब एक ब्रेकआउट आता है। और मंदी का माहौल कब बिल्डअप होता है? जब एक ब्रेकडाउन आता है। एज अ ट्रेडर आपको क्या पकड़ना है? आपको तेजी मंदी दोनों पकड़ना है, बिकॉज आप दोनों में खेल सकते हैं। तेजी में आप लेके खेलेंगे, मंदी में आप बेच के खेलेंगे। अब मंदी में हम बेचेंगे कैसे, ये सब कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन अपने और करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट ब्रॉडरली आप समझ चुके हैं कि तेजी में हमको लेके खेलना। तो आपको करना क्या, आपको ये प्रिडिक्ट करना है कि तेजी है कि मंदी है। अच्छा, कि अब तेजी आएगी कि अब मंदी आएगी। करेक्ट। तो वो प्रिडिक्शन आपको अपना टाइम जोन के हिसाब से प्रेडिक्ट करना होगा, टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से प्रेडिक्ट करना होगा कि तो ये अब मुझे 5 मिनट का तेजी ढूंढ रहे हैं कि अच्छा 5 घंटे का ढूंढ रहे हैं, उसके ओके हिसाब से चार्ट को भी आपको चेंज करना होगा। ये जैसे डेली है, तो राइट आपने बोला कि सर मैं स्विंग करना चाहती हूँ 2 दिन से लेके 15 दिन का, तो फिर आप डेली चार्ट देख रहे हैं, बट आप बोल हाँ देंगे सर मैं छोटा अवधि का ट्रेड करना चाहती हूँ कि 2-3 दिन के अंदर में खत्म हो जाए, तब मैं डेली चार्ट नहीं देखूंगा, तब मैं चार्ट की ये जो टेन्योर है इसको मैं चेंज करूंगा, इसको मैं घंटों का चार्ट बोल दूंगा कि मैं 2 घंटे का चार्ट देखूंगा। तो हर 2 घंटे में कौन सा तो हर दो घंटे का जो जो क्लोजिंग प्राइस है उसको प्लॉट कर दिया गया है। ओके अब यही 2 घंटा को सपोज मैं 1 घंटा करता हूं, तो सर, हर एक घंटे का क्वेश्चन है सर, हम लोग क्लोजिंग प्राइस क्यों बहुत अच्छा वो क्वेश्चन करते पूछा हैं? तुमने। क्लोजिंग प्राइस इसलिए प्लॉट किए क्योंकि लाइन चार्ट है, ये लाइन चार्ट है, इसमें क्लोजिंग ही प्लॉट करते हैं। ठीक है, अगर इस चार्ट को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट किया मैंने और इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको मैं कैंडल कर देता हूँ, तो देखिए कैंडल स्टिक ऐसे लगता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है, बस बाद में चर्चा करेंगे। ये कैंडल स्टिक है, इसके अंदर में उस पीरियड का हाई लो ओपन और क्लोज सब एक ही पैटर्न के अंदर में आ जाता है। सो कुछ कन्वेंशन होते हैं कि टिपिकली ये फॉलो होता है। तो जब हम लाइन चार्ट प्लॉट करते हैं तो हम क्लोजिंग ही कंसिडर करते हैं, बिकॉज लास्ट में जो भाव बंद हुआ वो ज्यादा रेलिवेंट है ना, दिन भर या उस टाइम में ऊपर नीचे क्या किया उसका कोई मायने नहीं है। लेकिन कैंडलस्टिक बोलता है कि नहीं, ऊपर नीचे जो कर रहा है पूरा टाइम पे उसका भी मायने है, उससे भी हम इन्फ्लुएंसेस निकाल सकते हैं, जो कि अलग अलग तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। तो कमिंग बैक टू लाइन चार्ट, एक बार लाइन चार्ट रखते हैं, लेट्स मेक आवर लाइफ सिंपल। तो ये 1 घंटे का लाइन चार्ट है, और अगर हम चाहें तो 5 मिनट का लाइन चार्ट भी कर सकते हैं, हम चाहें तो 1 मिनट का लाइन चार्ट भी कर सकते हैं। अब तुम देखो स्टेट बैंक, यह है 5 मिनट का चार्ट, यहां पर एक तेजी आई थी, ये सुबह का टाइम था जब तेजी आई, अब उसके बाद ये थोड़ा रुक के अब यहां पर एक करेक्शन आ रहा है। तो आप बोलेंगे सर 5 मिनट का चार्ट में लग रहा है कि एक बस तो गिरेगा, क्योंकि नीचे की तरफ जा ये रहा है। नीचे का ट्रेंड आ रहा है। और अगर मैं इसको 1 दिन का करूं तो आप बोलोगे सर ये तो ये बढ़ेगा, तो तो आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, आपने बोला पहले कि गिरेगा और फिर बोला आपने बढ़ेगा। यस, मार्केट डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि स्टॉक बढ़ेगा कि घटेगा। अगर आप छोटा टेन्योर में ट्रेड कर रहे हो तो आपको दिख रहा है कि ये नेगेटिव ट्रेंड, ट्रेंड मतलब नीचे जा रहा है, ट्रेंड है ऊपर जा रहा है, ट्रेंड है। तो अगर छोटी अवधि में ट्रेंड नीचे है तो मैं छोटी अवधि का ट्रेड करूंगा, या छोटी अवधि में ट्रेड ट्रेंड ऊपर है तो मैं छोटी अवधि में ट्रेड करूंगा। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द टेन्योर ऑफ ट्रेड। छोटा अवधि का ट्रेड करना फटाफट ट्रेड करना, या बड़ी अवधि का ट्रेड करना मतलब कम ट्रेड करना है लेकिन इफेक्टिव ज़्यादा ट्रेड तो करना है। सर, एक और क्वेश्चन है, तो ये जो टाइम पीरियड है तो ये रेंज होना चाहिए कि मुझे पता है कि 2 महीने बाद ही मैं सेल करूंगी, 2 महीने तक मुझे नहीं, होल्ड करना ये ऐसा कुछ सर्कोस्टांट नहीं है कि आपने डिफाइन कर दिया कि मैं तो 20 दिन बाद ही स्क्वायर अप करूंगी, नहीं, वो प्राइस डिपेंडेंट होता है। जब आपका प्राइस आ गया है, चाहे वो 2 दिन में आ गया, आपने सोचा था 10 दिन बाद आएगा पर वो 2 दिन में ही आ गया है, तो आपने स्क्वायर अप कर दिया। आपको प्राइस से मतलब है, आपको टाइम से क्यों मतलब है? जब मेरा कमाई हो गया तो मैं स्क्वायर अप कर दूंगी, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है
तो मैं इसको अरब कर दूंगी। सो स्टॉप लॉस, अब स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, वो कैसे लगाना है, ये सारी चर्चा करेंगे एक ही वीडियो में, सारी बात नहीं करेंगे अपने। ठीक है बट आपको एक स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना कि मैंने क्या किया है। मेरा एक इंफ्रा है, मैं टेक्निकल्स को फॉलो करता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए, और डिपेंडिंग करता है मेरा टाइम क्या है, उसके हिसाब से मैं अपना ट्रेडिंग सेटअप को सर क्रिएट एक कर और पाऊँ। चीज़ पूछी सर, जैसे आपने दिखाया 1 आवर चार्ट्स, जी फिर आपने दिखाया डेली चार्ट्स, जी तो सर फॉलो कौन सा करूँ? डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या नहीं, है। अगर ऑब्जेक्टिव सपोज मेरा है स्विंग ट्रेडिंग, ठीक हाँ है, तो उसमें भी जैसे आपने बोला 2 दिन में अगर आ गया, बट मुझे लग रहा है हो सकता है कि 5 दिन बाद ये फिर ऊपर जाएगा, तो शुड आई होल्ड, शुड आई सेल, मतलब हाउ डू आई? सो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, उसका चर्चा अपने करेंगे और वीडियोस के अंदर में। राइट. और कई बार क्या होता है कि दो टेन्योर को आप मिला लेते हैं, जैसे मैंने, मेरा एक सेटअप क्रिएट किया हुआ है जिसमें मैं एंड ऑफ द डे चार्ट देखता हूँ और 2 घंटे का चार्ट देखता हूँ। देखो, हमेशा ये होगा मार्केट में, कभी भी स्टॉक कुछ अगर करने वाला होगा ना, तो छोटा टेन्योर का चार्ट पहले इन्फॉर्म करेगा, ऑब्वियसली, क्योंकि पहले आपको कौन इन्फॉर्मेशन देगा जो छोटा टेन्योर का है। बिकॉज ट्रेंड अगर चेंज हो रहा है तो 5 मिनट का चार्ट, 1 घंटे का चार्ट पहले इन्फॉर्म करेगा, करेक्ट, और बड़ा टेन्योर का चार्ट आपको थोड़ा देर बाद इन्फॉर्म करेगा। तो मैंने जो सेटअप बना रखा है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें मैंने ये बताया है कि कैसे आप डेली चार्ट और 2 घंटे का चार्ट को मिला के अपना मॉडल बना सकते हैं जिसमें आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। अगर सपोज आप इंट्राडे करना चाहते हैं, तो मे बी आप 5 मिनट का चार्ट और 1 घंटे का चार्ट को मिलाएंगे, तो वो मैं सेटअप आपको सिखाऊंगा कैसे करते हैं। बट अभी एक मोटा मोटी आपको एक ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे होता है, उसका एक आइडिया लेते हैं। आइडिया अब आपने चार्टिंग तो देख लिया, स्टॉकेज के बारे में भी अपने डिस्कस करेंगे कि वहाँ हम लोग क्या क्या और डेटा देखेंगे घर पे शाम को खाना खाने के बाद, क्योंकि वो जो टाइम है ना, शाम को खाना खाने के बाद 8 बजे तक, कितने बजे तक खा लेते हो खाना? 8 बजे तक, 8:30 वेरी गुड, 8:30 खा लेते हो। उसके बाद थोड़ा चिल करने के बाद में मे बी 9, 9:30 बजे से लेके आधी घंटे के लिए स्टॉकेज को होमवर्क के लिए यूज़ करना, ताकि आप नेक्स्ट डे का मार्केट के लिए और बेटर तैयार हो पाए। वो कैसे करेंगे मैं चर्चा करूंगा उसका। ठीक फाइनली ट्रांजेक्शन कहाँ करेंगे? ट्रांजेक्शन करेंगे ट्रेडिंग टर्मिनल में। तो ब्रोकर के यहाँ अकाउंट खोलना है, वो आपको ट्रेडिंग टर्मिनल दे देगा। तो ये देखिए, एक ट्रेडिंग टर्मिनल जैसे मैंने खोल रखा है, ये एक ट्रेडिंग टर्मिनल है, सिंपल सा ट्रेडिंग टर्मिनल है, जहाँ पे वो स्टॉक सारे आ गए और उसका बिड प्राइस, आस्क प्राइस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये सारा डिटेल्स है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। मैं एकदम डिटेल में डिस्कशन करूंगा कि ट्रेडिंग टर्मिनल क्या होता है, कैसे उसको आप ट्रेड कर सकते हैं, ऑर्डर कैसे डालते हैं, वो सारी बातें मैं डिस्कस ये तो करूंगा। चेंज होता जा तो ये आपको क्या नजर आ रहा है कि ट्रेडिंग टर्मिनल में भाव चेंज हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, और इसी भाव पे आप अल्टीमेटली ट्रेड करते हैं। आप लेंगे तो आप आस्क प्राइस को लेंगे, आप बेचेंगे तो बिड प्राइस को बेचेंगे। ये मैं डिस्कस करूंगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये हो गया मार्केट वॉच। फिर आपने क्या ऑर्डर दे रखा है, ऑर्डर बुक, फिर ट्रेड बुक, ये बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हैं जो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो आपके सेटअप क्या हो गए? टेक्निकल चार्ट, स्टॉकेज जिसमें टेक्निकल चार्ट भी है बट और भी बहुत डेटा पॉइंट्स है, और ट्रेडिंग टर्मिनल। ये तीनों आपके लैपटॉप में आ जाएंगे, और ट्रेडिंग टर्मिनल आजकल ऐप में भी अवेलेबल है, सारे ब्रोकर्स लोग देते हैं। तो ट्रेडिंग करने के लिए ऐप यूज कर सकते हो, एनालिसिस करने के लिए लैपटॉप यूज कर सकते हो। सर न्यूज़, न्यूज़ देखिए ऐसा है कि आप चला सकते हैं टीवी चैनल्स, बट आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि जितने न्यूज़ आपके पास आएंगे वो सब बासी न्यूज़ होंगे, कोई ना कोई उस पर एक्ट कर चुका है। अगर आप न्यूज़ देख के काम करेंगे तो आप पैसा देने के लिए आए हैं। अगर आप चार्ट फॉलो कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि चार्ट के अंदर में सारा न्यूज़ आ गया है, तो ये न्यूज़ व्यूज़ ये सब बायसनेस है जो लोग चाहते हैं कि आपके दिमाग में आए, ताकि आप वो काम करें जो वो चाहते हैं कि आप करें, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो काम वही होगा जिसमें आपके पैसे लगेंगे। तो न्यूज व्यूज, एटलीस्ट मार्केट आवर में न्यूज व्यूज मत देखिए, चार्ट देखिए। टेक्निकल चार्ट प्राइस अपने आप में बताता है कि देखो इसके अंदर में कुछ है। और जिस दिन कोई मेजर इवेंट हो, जैसे आरबीआई का कोई पॉलिसी आया, उस दिन इवेंट है, उस दिन एक बार ट्रेड मत कीजिए, पॉलिसी आ जाने दीजिए, बजट है हो जाने दीजिए, उसके बाद ट्रेड करिए। मार्केट भी यही है, आप भी यही हैं, हम सब यही हैं, तो हड़बड़ी क्या ट्रेड करने का, पैसा बनाने के लिए आए ना। ओके, तो दोस्तों ये तो हुआ पहला चैप्टर, जहां पर बेसिक बेसिक सेटअप क्या होना चाहिए वो मैंने अन्नपूर्णा को बताया।
तो आशा कर रहा हूँ अनुपूर्णा को पसंद आया होगा ये और आपको भी पसंद आया होगा। तो ग्रास रूट लेवल पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे और कोशिश पूरी करूंगा कि अनुपूर्णा को ट्रेडर बना पाऊँ। और प्रोसेस में अगर आप भी बन गए तो मेरे लिए तो लॉटरी लग जाएगी, और जितने लोगों का मैं इस तरह से ट्रेनिंग दे पाऊँ मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आप शेयर कीजिएगा ये सब वीडियोज़ को, कोशिश बहुत कर रहा हूँ। शेयर करेंगे तो और मज़ा आएगा, और लोग जुड़ेंगे, और मार्केट में सही तरीके से पार्टिसिपेट करने का एक तरीका मैं लोगों को बता पाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अन्नपूर्णा फॉर योर टाइम। थैंक यू लेट्स सर। मीट अगेन नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास। यस सर। बाय बाय।